तो भाई ये हवा महल की सीढ़ी, सीढ़ियों से जाएंगे ऊपर, ऐसा दिखता है कुछ हवा हमारा। हवा महल के अंदर एंटर करेंगे। तो भाई अंदर से कुछ ऐसा दिखता है हवा में, ठीक है। तो हाय गाइस, दिस इज प्रकाश हियर एंड वेलकम टू माय चैनल लाइव। सो गाइस, सो मैंने जो चैनल स्टार्ट किया था वो काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट किया था, तो काफ़ी टाइम से सोच रहा था क्या डालूँ क्या डालूँ क्या डालूँ क्या डालूँ। तो मैंने काफ़ी ना मीम्स डालने लगे उसके अंदर, फिर मैंने देखा चलो, वैसे भी मेरे को ट्रैवलिंग का वो शौक रहता है, तो मैं सोचा चलो ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं। तो ट्रैवल ब्लॉग्स बनाने के लिए तो मैं आज आया हूँ हवा महल, क्योंकि करंटली मैं हूँ जयपुर में। वैसे भी मेरे थोड़ा घूमने फिरने का शौक है, तो वो हिसाब से मैंने देखा चलो ट्रैवल ब्लॉग्स ही बना लेते हैं। एक्चुअली मैंने ये चालू किया था चैनल ट्रैवल ब्लॉग्स बनाने के लिए, बट क्या ड्यू टू कोविड तो मैंने ट्रैवल्स ज़्यादा किया नहीं, ठीक है। तो इससे पहले मैं गया था मनाली में, तो मनाली के मैंने छोटे मोटे जो ब्लॉग्स थे मैंने वो डाले। इतना है नहीं कि मैं तुमको प्रॉपर माइक और कैमरे के साथ बजट शूट करूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल बजट इतना है मेरे पास, या तो मैं जयपुर एक्सप्लोर कर लूँ या तो मैं कैमरा और माइक ले लूँ, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं वीडियो शूट तो कर सकता हूँ मोबाइल से ही, ठीक है। सेल्फी स्टिक है अपने पास, मोबाइल है अपने पास, तो उससे मैं अपना ब्लॉग तो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। आगे का अपन देखते हैं जैसा अपना रहेगा। तो उसमें तुमको सपोर्ट करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। जितना अपना ब्लॉग आगे ब्लॉग चैनल आगे जाएगा उतना अपन एक्सप्लोर ज़्यादा करेंगे। तो फिलहाल तो मैं जयपुर में हूँ, तो जयपुर को अपन ब्लॉग जयपुर को अपन एक्सप्लोर करते। तो फिलहाल तो अपने स्टार्ट किया हवा महल से, तो अपना हवा महल देखते, ठीक है। आइए तो हवा महल देखते। तो भाई ये हवा महल के ऊपर का हिस्सा, ठीक है। अंकल जी कुछ तो पेंट कर रहे हैं यहाँ पे हवा महल को। अच्छा, ये एंटीना का कुछ तो जाली बिली पेंट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हवा महल है, चलो अभी चलते हैं उधर पे अपन, इधर पे तो कुछ है नहीं खास देखने लायक। चलो फिर वहाँ से अंदर चला जाए, अंदर देखते अंदर क्या है। तो ऊपर आया तो ऊपर तो वो तो ये तुम्हारा नीचे का प्लेसमेंट जहाँ से अपने एंट्री किए, ठीक है। फिर यहाँ तो रोड साइड है, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो अभी इसके अंदर ही चलते हैं। तो कोई भी हमारे है जिसका नाम जो है मंदिर रखता है, तो इसका नाम क्या है, रत्न मंदिर। तो जो हवा में आने भी आपको मैं समझाता हूँ, जैसे जयपुर या तो जयपुर में दो पार्ट थे ये मॉन्यूमेंट्स को लेके, एक होता है निचला जयपुर, एक होता है पहाड़ी जयपुर। तो जयपुर दो भागों में डिवाइडेड है, दिखी है यहाँ से, ये पूरा जहाँ सा एंटर के लिए अपनी रोड साइड पूरा जो है हवा महल की खिड़की यहाँ सब। तो जैसे मैं बता रहा था, ये अपना जयपुर है ना दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, दो पार्ट्स को ले। तो एक होता है सरफेस वाला जयपुर और एक होता है पहाड़ वाला जयपुर। तो सरफेस वाले जयपुर में जैसे हम नीचे जैसे हवा महल हो गया, अल्बर्ट हॉल हो गया, ये और कुछ प्राचीन मंदिर हो गए, सिटी पैलेस हो गया, जंतर मंतर हो गया, तो ये सब क्या है ना ये रोड पर। और जो पहाड़ी जयपुर है, पहाड़ी जयपुर में तुमको मिल जाएगा आमेर फोर्ट, नारगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, तो ये सब पहाड़ी जयपुर है।
तो सब एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। ये जो तो ये जो मंदिर है, ये गणेश जी का मंदिर है जहाँ तक आइडिया है। ये जयगढ़ किला नहीं, ये घर गणेश का मंदिर है जहाँ तक आइडिया है। तुमने लोगों से सुना था तो वो हिसाब से बता रहा हूँ। अभी थोड़ा और ऊपर जाते हैं। ये तो मैंने खाली ऐसी एक कमरे से आया मैं, ठीक है। ये किसी कमरे का जिसका नाम रतन लाल मंदिर ऐसा कुछ रखा गया था, ठीक है। चलो चलते ऊपर। तो काफी खुद घुमाओ इसके ऐसा कुछ है। हम ऊपर चलते हैं। यहाँ क्या है भाई, ऊपर चल रहा है। ऊपर से नजारा तो देखिए, ये देखो ये सामने जो है वो जंतर मंतर है, दिखा देता हूँ। ये जो है ये जंतर मंतर है, जंतर मंतर। बाकी कुछ तो नहीं देखने लगे, यहाँ पे सिर्फ खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ हैं, ठीक है। तो अंदर की तरफ बाहर की तरफ आर्किटेक्चर अच्छा है, ठीक है। बनाने वाले लोग बना लिए, चारों तरफ से हवा है, हवा आ रही है। डंटू आ रहा है Thank you.
तो भाई इतना ही था ये हवा महल का अपना ब्लॉग, ठीक है। इसमें से कुछ मतलब सिर्फ खिड़कियाँ ही हैं देखने लायक, ठीक है। अच्छा है मतलब खेतों का ढाई जितने है एक अपना एक मोहनामेल से देखने लायक, तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ तो है नहीं। तो टिकट भी काफ़ी रीजनेबल था, मतलब मेरे को तो एक्सपेंसिव लगा 50 रुपीज़ टिकट, बट ठीक है। तो भी मेंटेनेंस के सबसे 50 रुपये लिया गया यहाँ पे, तो अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ये फाउंटेन है जो थोड़ा बहुत चलता है, फाउंटेन दिख रहा होगा आई थी, ठीक है। बाकी तो सिर्फ समझ लो ऊपर चढ़े तो अपन को जयपुर का सिटीज़ का नज़ारा दिख जाएगा। और सेकंड थिंग यहाँ पे खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ, वो मेरी तो सिर्फ खिड़कियों के लिए फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं जहाँ से सिर्फ हवाई विंडी अंदर आती है, जिससे ये महल का ठंडा रहता है, कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ मतलब कुछ प्राचीन चीज़ें रखी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बिल्डिंग्स के अलावा स्ट्रक्चर्स के अलावा ऐसा कुछ चीज़ रखा हुआ नहीं। जाते मैंने देखते अभी जंतर मंतर में कैसा है, जंतर मंतर देखते, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट भी करना, इसके ज़्यादा खुशबूस करो यार।